अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स हम्बल अहमद हियर अगेन। वेल गाइस, ये हम एक साइट विजिट पर आए हैं। कंप्लेन है बैटरीज जो है वो प्रॉपर टाइम नहीं दे रही है। ये 5-5 किलोवाट के हमने दो इन्वर्टर लगाए हुए थे, यहाँ पे 2 साल हो गए हैं इसको लगे हुए माशाल्लाह। और ये हमने इसकी आउटपुट कंबाइन की थी। ये लेफ़्ट साइड पर मास्टर है और ये राइट साइड पर स्लेव है। इस वक्त हमारे पास वापडा इनपुट जो आ रही है वो आ रही है 192 वोल्ट, आउटपुट ये 230 वोल्ट पूरे दे रहा है। और इस इन्वर्टर पे जो इस वक्त जनरेशन है पीवी से 72 वोल्ट्स आ रहे हैं, 73 वोल्ट्स, 26 एम्पियर्स, 575 वोल्ट ये इस वक्त ड्रॉ कर रहा है पीवी से। एक्चुअली 1.5 किलोवाट तक जा रहा है ये। अच्छा, इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, टाइम आपको दिखा देते हैं। 17:57 यानी कोई 6 बजने वाले हैं शाम के। 2020 छठा महीना 10 तारीख। इस सिस्टम ने ओवरऑल जो जनरेशन दी है इस इन्वर्टर ने वो 6 मेगावाट इसने पीपीसी जनरेट किए और 9.3 मेगावाट इसने आउटपुट लोड चलाया है। ये कमर्शियल साइट पे लगा हुआ है, ऑफिस है। यहाँ पे यूनिट जो इनको वापस है पड़ता है वो तकरीबन 35 रुपीज़ का पड़ता है। और उससे अगर हम हिसाब लगाएं तो इनको 6000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 35 रुपीज़ इज इक्वल टू 6000 किलोवाट यानी 6 मेगावाट मल्टीप्लाइड बाई 35 इज इक्वल टू तकरीबन 210,000 रुपये की इनके पास रिटर्न इन्वेस्टमेंट आरओआई आ चुकी है एक सिस्टम से। अच्छा, ये इसकी आरओआई जो है तकरीबन 210,000 रुपये की ये बिजली बना के दे चुका है। और जो ये सेकेंड इन्वर्टर है इस वक्त जो वापडा एज यूजल 188-190 वोल्ट्स आ रहे हैं, आउटपुट 230 पूरे दे रहा है। ये कितने की हो रही है? 77 वोल्ट्स, 7 एम्पियर ये सब जनरेशन है इसकी। तकरीबन 1 किलोवाट तक जनरेट कर रही है इस वक्त भी। टाइम क्या हो रहा है, टाइम आपको दिखा देते हैं अभी। 17:52 2020 छठा महीना 10 तारीख। इस सिस्टम ने ओवरऑल जनरेशन दिए 6.4 मेगावाट, 6.4 अराउंड, ये भी तकरीबन 2,20,000 रुपये के, 2,30,000 रुपये के करीब जो है ये आर आई दे चुका है अभी तक। सिस्टम को लगे हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं। इस पर जो बैटरीज लगाई थी वो बैटरीज ने भी अभी तक साथ दिया है। इस पर लॉन्ग बैटरीज लगी हुई हैं। ये C20 टाइप बैटरी है। ये हम बैटरी बैंक चेक कर रहे हैं अभी, पता नहीं बैटरी पर फोकस करना है इसके। बैटरी के फोकस करना। टू हंड्रेड एम्पेयर आवर्स की बैटरी है, C20 टाइप है, डीप साइकिल जेल बैटरीज हैं ये। ठीक है, सब ठीक ही है। अभी इसका बैकअप चेक कर रहे हैं हम लोग। अच्छा गाइस, इस पर 2 बैंक्स लगे हुए हैं। दोनों बैंक को हमने बस बार पे कंबाइन किया है, उसके बाद हमने ब्रेकर के थ्रू, ये 180 एम्पीयर का ब्रेकर हम यूज़ करते हैं बैटरी बैंक पर, इसी के थ्रू हमने बैटरीज को दिए। बैटरी बैंक कॉमन है, कंबाइन किया हुआ है। अच्छा, इस पर जो इस वक्त लोड चल रहा है एज यूजल कि ये आउटपुट इनकी कंबाइन की हुई है, इस पर तकरीबन 1.1 किलोवाट का लोड चला है, 1.1 किलोवाट का। और दूसरे इन्वर्टर भी तकरीबन
इतना ही लोड चल रहा है इस वक्त, जो लोड चल रहा है तकरीबन 2.1 2.2 किलोवाट का लोड चल रहा है इसके ऊपर इस वक्त 6 बज रहे हैं तकरीबन। और जनरेशन आपके सामने है इस वक्त भी पीवी से शाम को 6 बजे तक भी जनरेशन हमारे पास आ रही है। अच्छा, इस सिस्टम के ऊपर जो हमने सोलर पैनल लगाए थे वो लगाए थे जिनको 330 वाट, 15-15 पैनल हमने लगाए हैं एक एक इन्वर्टर्स के ऊपर, और 3-3 की सीरीज़ हैं, 5-5 स्ट्रिंग सिस्टम हमने कनेक्ट की हुई एक एक इन्वर्टर के ऊपर, पीवी सेपरेट है। बस सिर्फ बैटरी बैंक हमारा जो है ना वो ख़राबी की तरफ जा रहा है, तो हम इसको अब चेंज करेंगे। 2 साल चल चुकी है माशाल्लाह ये बैटरीज हमारे पास। 2 साल बाद लोड हमारे पास 2.2 किलोवाट का इस वक्त लोड चल रहा है, वैसे यूजुअली इस पर लोड चल रहा होता है तकरीबन 3.5-4 किलोवाट का लोड चल रहा होता है कम से कम। इस वक्त लोड मैनेज किया हुआ है, लोड कम चल रहा है। ये गाइस का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इस पर हमने इनपुट पे श्नाइडर के ब्रेकर लगाए हुए हैं 32-32 एम्पेयर के, फिर उनको हमने कॉमन किया है, कॉमन करके इसको हमने दिया है 63 एम्पेयर के ब्रेकर में, इसको कॉमन करके आउटपुट कम्बाइन कर दिया है इसकी। सीटी लगाई हुई है इस पर 6.5 की, ये सेटअप इंस्टॉल है हालन आगे पे 6 बजे हुए। बटन चाय पी ले यार, हाँ ठंडी हो जाएगी चाय। वेल गाइस, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली जो वीडियोस हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलामुअलैकुम।